क्या नाम है वैसे आपका? वली भाई। वली भाई कहाँ से पधारे हो? मेहसाणा तालुका। अच्छा, मेहसाणा। और ये आप दो लेके आए हो? हाँ। क्या इनकी खासियत बताओ? ये चंपी है, सफेद बच्चे करती है। अच्छा, वाह बहुत अच्छा। और क्या उम्र की है? उम्र इसकी 6 साल। 6 साल। शादी ब्याह में डांस करती है। हाँ हाँ, तो ये 6 साल की है। ठाण वगैरह? ठाण एक अभी नहीं किया, अभी नहीं बनाया हमने। अच्छा, इसलिए शादी ब्याह में डांस करती है ना, इसलिए इसलिए। तो अब इसको बेचने का क्या मन कर रहा है? हम इसका कीमत बोलते हैं 1,61,000 रुपया। 1,61,000। क्यों बेच रहे हो उसको आप? उसको बेच के फिर बीजे यहाँ से बच्ची खरीदते हैं। बच्ची खरीदते, उसको तैयार करते, तैयार करते। अभी इसको तैयार कर दिया आपने? अब इसको तैयार करा, अभी उसको बेच के बीजी। गुड 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 गुड। तो 1,00,000 आपका भाई? मैं कल आया था। कल आया, कुछ लगे उसके? हाँ मांगा कोई ना, 9,000 की कोई लाख की मांगता है, ग्राहक जैसे बेचारा मांगता है। हाँ हाँ, पोजीशन। हाँ आओ, इस पे आओ, आगे रहना। इसके बारे में बताएं? ये मऊआ कलर है, एक कलर बोलते हैं ना उसको। उसका बच्चों में लाइन का घोड़ा उसको दुलाया है। हमारे वहाँ पे है फौजी काला, मेहसाणा जिले में होता है। अच्छा, क्या उम्र है इसकी? इसकी उम्र है 4.5। 4.5। क्या मांग रहे हो उसके? इसका 1,11,000। 1,11,000। तो आपका फोन नंबर दो। 98-94-13-39-89। ओके। सही है। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर, ये सिंधी घोड़ों का दामन है यहाँ पर, बहुत प्यारा सा, सुंदर सा, और इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम साहब शकुर खान। शकुर खान जी, आप सवार हैं, ट्रेनर हैं या क्या हैं? ना साहब, मैं सवार हूँ। ये महेंद्र सिंह जी हैं, राठौड़ साहब दास पाके हैं, और बहुत नाम सीन है। पहले भी इनके पास में घोड़े, जो नवाब घोड़ा था, शेतक घोड़ा था, और आज से लगभग 30 साल पहले बहुत विनर रह चुके हैं वो घोड़े, नामचीन घोड़े थे। तब तो लोगों पास बहुत कम घोड़े थे, उसी वक्त में इसी मेले में उन्होंने कई इनाम जीते हैं घोड़े ने। और मैं इनके घोड़ों के, हम 3 सवार, ये भी सिरू नाम को है इनका सवार है। मेरा नाम शकुर, मैं भी सवार हूँ। ये भूपन नाम का लड़का, ये भी सवार है जी। अच्छा, तो इसके बारे में बताओ क्या क्या नस्ल का है और क्या? ये है साहब प्योर सिंधन है, जिसको कहते हैं बलूची। बलूची? हाँ, बलूची नस्ल। अच्छा, और राव साहब का जो रणजीत घोड़ा है नामचीन, उसी घोड़े की बच्ची है। अच्छा जी, 4-5 बार वो घोड़ा विनर इस मेले में रहा है, गुजरात में भी विनर रहा है, रणजीत नाम का घोड़ा, उसी की बच्ची है। अब अदंत है, दांत नहीं, 2 दांत अब करने वाली है, अब घोड़ी 35-34-35 चलती है। अच्छा जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। इसके बारे में बताओ। ये लासा नस्ल की है। अच्छा जी, लासा। सिंधी में कई नस्लें, बलूची होती है, खाराई होती है, ताजी होती है, सभी लोग कहते हैं सिंधी। बाकी सिंधी में बहुत नस्लें होती है, खाराई है, ताजी है, लाड़ा है, मुल्तानी है। अच्छा, अलग अलग, जो पहले बलूचिस्तान में जो घोड़े चलते हैं वो चौबा चलते हैं सिंधी साल, उसको कहते हैं लाड़ा नस्ल कहते हैं। और ये वारा चलती है, इसको अपने बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट जो नस्ल है लासा नस्ल, 32-33 घोड़ी चलती है, और बाल भमरी की कलियर है। अब घोड़ा तो ये पहले से, अभी पहले से मतलब शौक है राजपूतों का, ठीक है। ये बहुत मुश्किल से ये नस्ल उन लोगों ने संभाल के रखी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, जो इतिहास रचा है घोड़े, कई मैदानों में दंगल में सैयद हुए हैं, राजपूत सैयद हुए हैं, मुसलमान भी अच्छे से सैयद हुए हैं, उनके घर घोड़े सैयद हुए हैं। अभी आज कुछ नाम कहते हैं, कौन सा खेत के घोड़ा वाला खेत, कौन सा गांव के घोड़ो वाला घोड़ा। तो कहते हैं भल घोड़ा बल बंकड़ा हल बांधवा हथियार, जाजो मैदान में जिकवा मरनो हिकड़ी वार। ये मारवाड़ी में उसकी कावत है। इसका मतलब बताएं? इसका मतलब है कि भल घोड़ा घोड़ा भला होना चाहिए। हाँ। भल घोड़ा बल बंकड़ा सवार अच्छा होना चाहिए। भल घोड़ा बल बंकड़ा हल बांधवा हथियार, जाना फौज में जिकवा मरना हिकड़ी वार। एक दिन इंसान को मौत एक बार ही आती है, ठीक है। और दूसरी के इनकी बात मतलब जितनी तारीफ करें इतनी कम है जी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। इसका नाम राजा है, राजा नाम का घोड़ा है ये, और ये नस्ल है
खाराई नस्ल है, बहुत ऊंची नस्ल, इसको जाम नस्ल भी कहते हैं। जो पाकिस्तान से जाम साहब आए थे खावड़ा के अंदर, वो पुरानी नस्ल है, जाम नस्ल इसको कहते हैं। अभी ये अदंत बच्चा है, अभी भी इसकी हाइट है 59 की हाइट है, और कट कंडीशन बहुत कम ऐसे घोड़े आपको दिखने के मिलेंगे। और हमारे ये राठौड़ साहब का घोड़ा है, और राठौड़ी तो राज पहले से चलता है, कहते हैं कोई बात बात पे नहीं कहता, यार ये तो राठौड़ी चलती है, बिना मेर पारा मोर गढ़ पंखा रंजर गढ़ पंखा लंका गढ़ा राजगुड़ी राठौड़ पहले से ये राज चलता आया है। कौन सा यार के उसने वो नहीं दिया, उसने वो कर दिया, तो क्या राठौड़ी चलती है, चलती है जी। अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह जी राठौड़, अमर सिंह जी राठौड़। ये चौबाज है घोड़ा, चौबाज ये भी बलूसी नस्ल का है। ये जो कुछ घोड़ों के अंदर आपको बताऊं कि चाल होती है, जो वारा चाल घोड़ा चलते हैं, कोई मतलब धुड़की से स्टार्ट चलते हैं, कोई मादरी चलता है, कुछ चौबाज चलता है। जिस चौबाज चाल है ये बलूचिस्तान की, जो एक तरफ पहले उसको गांधार कहते थे, अच्छा अभी उसको बलूचिस्तान कहते हैं, ठीक है। अच्छा। तो ये बलूचिस्तान की नस्ल है, चौबाज चलता घोड़ा, अदंत बच्चा, अभी तक दांत नहीं किए, बाल भबरी का भी क्लियर है। ओके जी, बहुत अच्छा। और ये हमारे सब पुराने हैं, आप साहब तो मतलब काफी टाइम से घोड़े रखते, खुद घोड़े तैयार करते हैं जी। बगावी उन उम्र भी हो गई, और परिवार में भी परिवार वाले भी मना करते कि आपको नहीं बैठना, कोई घोड़ी सपूत घोड़ी होती उस पे आप बैठो, बैठ सकते हैं। बाकी बहुत अच्छे जानकार है घोड़ों के, आपको तो अभी और रहना है यहाँ पर, और दूसरों को भी मार्गदर्शन देना है। घोड़ों के अंदर चार वंश होते हैं, ब्रह्मावंशी, सूर्यवंशी, योगवंशी, पीरवंशी, और थोक होते हैं घोड़ों के अंदर 12 पॉइंट, 3 लंबे, 3 टोंके, 3 चौड़े और 3 मतलब चौड़े और 3 लंबे, 3 टोंके और 3 वो के मूड़ होता है उसके अंदर। अच्छा, 12 पॉइंट, 4 थोक, ये वंश ये जरूरी होना चाहिए घोड़ों के अंदर। ओके, ओके। ये माँ के पेट से आते उसी टाइम से ये होता है अंदर। अच्छा जी, बहुत अच्छा, सही। घोड़ों की तो जितनी तारीफ करें इतनी कम है, सब रेश लोग आए यहाँ पे, सब ठाकर टोकर सब अच्छे से लोग आए सब इस घोड़ों के पीछे। और पहचान बनानी हो तो घोड़े रखो इंसान के। अब मैं गरीब आदमी, मेरे पास एक पैसा नहीं है, मेरा 5 लाख का काम इस घोड़ों के पीछे हो जाएगा। सही बात है जी, सही बात। और दादा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर शकूर मीर। अच्छा, और आप क्या काम क्या है आपका? मेरा घोड़ा ट्रेन करना और व्यापार भी करना। अच्छा जी, तो इसके बारे में बताएं जी। ये सिंधी नस्ल का घोड़ा, मैं पहले तो अपना एड्रेस बताता हूँ, मैं गुजरात से हूँ। हाँ। बनासकांठ में मेरा गांव है, धानेरा तालुका में वाछोल करके गाँव है, वहाँ से आया हूँ मैं। घोड़ा सिंधी नस्ल का है, ये नागोजड़ी वाली जो नस्ल, रबारी वाली जो नस्ल पहचानी जाती है उसी लाइन से है ये घोड़ा, बेटली वाले घोड़े का है। अच्छा जी, घोड़ा चौबा चलता है, 5 साल की उम्र है, बाल भमरी का कलियर है जी। उम्र क्या बताइए आपने? उम्र 5 साल। 5 साल, और ये सेल के लिए है, ऐसे रखा? सेल के लिए। तो फिर इसकी मांग बताओ। मांग इसका 2.5 लाख रुपया करता हूँ जी। ओके, यहाँ आ जाइए। इसका नाम बताएं? इसका ये है खाराई नस्ल का सिंधी, मैंने पिंटू सिंह जी से खरीदा था दासपा से। अच्छा। इन्होंने जैसलमेर तरफ भी लाया था, छोटा बच्चा लाया था, मुझे पसंद आया, मैंने कहा बच्चा मुझे दे दो। तो राठौर साहब ने बच्चा दे दिया मुझे, है खाराई नस्ल का है, अभी 2 दांत अभी किए हैं। अच्छा, थोड़ा 27-28 चलता है जी। प्राइस है इसकी 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख जी, इसका नाम बताएं? ये बच्ची है 4 दांत। अच्छा, बाल भमरी की क्लियर है, और मैं बच्ची लाया था हमारे बिड़गाम ठिकाने रणवीर सिंह साहब पास से लाया था, 3-4 महीने की बच्ची थी। ये भुज वाले घोड़े की, जमीर पठान के घोड़े की है। अच्छा जी, कस वाली नस्ल है, बहुत तकड़ी नस्ल है। 4 दांत अभी किए हैं, एक बच्चा दिया, बच्चा मैंने दे दिया है। अच्छा। और प्राइस इसकी 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख जी। आपका फोन नंबर बताएं? बोले नंबर फोन
87 58 72 85 95। ओके जी सर, यहीं खड़े हैं। हाँ बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गमसरण राइडर। गमसरण राइडर, इन सब घोड़ों के मालिक कौन है? इसका मालिक है विनय प्रताप। आप हैं? विनय प्रताप सिंह जी। विनय प्रताप सिंह जी, कौन है विनय प्रताप सिंह जी? आए नहीं यहाँ पर अभी? विनय प्रताप सिंह चौहान है। यहाँ पर नहीं अभी? यहाँ पर नहीं अभी। अच्छा चलो, आप बताओ फिर। इसका नाम मुरली है। हाँ, और 3.5 साल की है। अच्छा जी, और 2 महीना सुपर है। अच्छा, और किसकी बच्ची है? ये है बाज घोड़ा, बाज घोड़ा है, भास्कल, भास्कल घोड़ा है, प्रभात लाइन का। अच्छा, फिर सेल के लिए क्या? बिल्कुल सेल के लिए। तो कोई कीमत बताएंगे आप? कोई बताइए आगे वो कीमत। बता सकते हैं, बताइए। इसकी कीमत लास्ट है 2 लाख रुपए। इसका नाम बताओ? इसका नाम है रंभा। रंभा ग्रह घोड़ी है। ये है वरखाना लाइन की। और उम्र है इसकी 6 ईयर्स, हाइट है 62 प्लस। अच्छा। और प्राइस है 4 लाख। ओके ओके। ये है काल भी। काल भी? काल भी। काल भी। और ये है शेष नाग लाइन की है। अच्छा, शेष नाग। शेष नाग है नाग का। ओके। और घोड़ी अभी है 8 महीना सुपर है। 8 महीना सुपर है। और घोड़े का नाम है 8 महीना सुपर, उसका नाम है स्टाइलिन काला बादल। अच्छा, उसकी हाइट है 62 प्लस। अच्छा, और इसकी है 62 प्लस। ओके, और इसकी प्राइस है काल्फी की 6 लाख। 6 लाख, बिल्कुल 6 लाख। इसका नाम है अनामिका। इसका नाम अनामिका है, और इसकी हाइट है 60 प्लस। और क्या उम्र की है? ये उम्र है करीबन 37 मंथ। और क्या प्राइस है? प्राइस इसकी प्राइस है कम 2.5 लाख। और किसकी बच्ची वगैरह? ये अपना स्टाइल है काला बादल। काला बादल, काला बादल है डायरेक्टर आलिशान लाइन का। अच्छा, ये है देवसेना, ये है मजू की लाइन की। ओके, इसकी हाइट है 60 प्लस। उम्र है 33 मंथ। अभी घोड़ी है सुपर दो दांत। ओके सुपर। और क्या प्राइस है इसकी? इसकी प्राइस है 4 लाख। ये है दोनों अबलक, एक है खुली अबलक और एक है बंद अबलक, और एक की हाइट है 61 प्लस, एक की 62 प्लस। और दोनों घोड़ी 2-2 लाख की। एक की उम्र है 4 ईयर्स और एक की उम्र 30 मंथ। ये बंद अबलक की कौन है, माता पिता कौन है इसका? ये है पवन घोड़ा है मेवाड़ में। पवन घोड़ा उसकी दोनों है। अच्छा, दोनों उसकी दोनों। और फार्म पर भी यही एड्रेस है? अच्छा, फार्म पे ही है। बड़े फार्म पर भी है घोड़े? सही है, सही है, सही है, सही है, कोई बात नहीं। वो मेन चीज तो दिख गई। रॉयल मारवाड़ी हॉर्स। हाँ आप आ जाओ, कौन सा ब्रांड बताता है? सब आ जाओ यहाँ पर, पर यूं आओ, यूं यूं वहाँ मत आओ, यहीं रहो इकट्ठे। बस 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 बस। बलोत्र मेले की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।